प्रदेश में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो भाजपा कार्यकर्ता और सांसद के भाई पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। इस मामले में भाजपा सांसद खामोश दिखाई दिए, जहां उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भाजपा सांसद सतपाल सैनी के चचेरे भाई पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर हमला किया, जिससे उनके कई गोलियां लग गईं, जिन्हें गंभीर हालत में उन्हें मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दरअसल शुक्रवार की शाम जयप्रकाश सैनी अपनी दुकान के बाहर खड़े हुए थे, तभी बाइक पर सवार दो बदमाश आए और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जयप्रकाश सैनी ने अपनी कार की आड़ ली, लेकिन तब तक उनके कई गोलियां लग चुकी थी। बता दें कि जयप्रकाश सैनी की दुकान पाकबाड़ा थाने से सटी हुई है, लेकिन फिर भी पुलिस काफी देर बाद पहुंची। तब तक हमलावर वहां से फरार हो चुके थे। मैं पलिथक कायद वाली यहाँ इनकी पाइप जो है वो कायद वा के दूध लाए हैं घर को। इसी में भी ये मतलब कि अपनी जो गाड़ी ही एल्टो उसके बारे में खड़ा, उसके बारे में दो बाइक आई पंजाब रोड की तरफ से और वो धड़ धड़ गोली मार के और एकदम भाग गए। इतनी देर में मैं भाग के आया रोड तक, इतने में भाग गए। मेरा चचेरा भाई है सर। किस तरह से घटना हुई है ये बताइए। घटना सर, मैं अपनी शॉप पे था। अच्छा। यहीं पे बराबर में बिल्कुल एक ही दीवार है हमारी, और जो है ये अपनी दुकान में था। हमलावर इधर से आए थे। अच्छा। पेट्रोल पंप की तरफ से। हाँ। फिर 12 सेकंड के अंदर गाड़ी इधर से मुड़ के वापसी आई है। अच्छा। हमारा चचेरा भाई यहाँ पे मारुति खड़ी थी उसकी 800 आल्टो। हाँ। बबलू की। अगर मारुति कार नहीं होती तो आज वो शायद जिंदा नहीं होता। अच्छा, तो उन्होंने कार की आड़ ले ली। आड़ ले ली। हमलावर कितने थे, किस गाड़ी से? दो थे सर, पल्सर गाड़ी थी। अच्छा। वहीं परिवार वाले भी पुलिस के देर से आने पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और वो हमलावरों की पहचान करने में जुट चुके, लेकिन अभी तक पुलिस को हमलावरों की शिनाख्त नहीं चल पाई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सैनी है जो बुद्ध बाजार में रहते हैं, इन पे कोई दो लोगों ने फायरिंग की है। सेफ हैं, स्टेबल हैं, ठीक ठाक हैं, और वहाँ पे सीसीटीवी की फुटेज बता रहे हैं कि वहाँ पे सीसीटीवी भी है जिसमें वो दिखाई देगा। अभी हम लोग वहीं मौके पे उनकी जो बताई हुई कुछ सूचना है उसके लिए जा रहे हैं। कितने हमलावर थे और कैसे आए थे? अभी जो प्रथम दृष्टया अभी उन्होंने बताया, क्योंकि अभी वो आईसीयू में हैं, ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं। मोटरसाइकिल पे दो लोग की बात बताई है, अभी और जैसे ही उनको भी थोड़ा ठीक होते हैं तो और बात बताएंगे। दस्तक टीवी के लिए मिर्जा गालिब की रिपोर्ट।